भारत तटस्थ रहा है। अब जब वो वहां पहुंचा है तो जंग पे किस तरीके से बात बनती है, साथ ही साथ चीन एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कंसर्न होगा और जाहिर तौर पर हो सकता है उस पर भी बात हो। वहीं देखिए, 3 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, 3 बड़ी मुलाकात होनी है। 2 मई को ओलाफ के साथ, क्योंकि पहली मुलाकात आप समझिए जर्मनी के चांसलर से हो रही है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, किस तरीके से आगे मददगार हो सकता है, ये दोस्ती और प्रगाढ़ हो सकती है, इस पर यहां पर चर्चा। वहीं 3 मई को भी मुलाकात होनी है डेनमार्क के पीएम से प्रधानमंत्री की। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो 3 दिन का बहुत ही शानदार ये दौरा रहने वाला है और क्या निकलकर भारत के लिए आता है वो देखना होगा। वहीं 4 मई को देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से उनकी मुलाकात होनी है, तो ये महत्वपूर्ण मुलाकात और इन सब के बाद जो युद्ध की स्थिति है उसको देखते हुए इसे और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट है, जल्दी से वो आपको दिखाते हैं। शायद हो हमें देखे, लेकिन हम यहाँ पे एज अ ग्रुप हम यहाँ पे उनके लिए परफॉर्म करेंगे। देखे या ना देखे उन तक आवाज तो जरूर पहुंच जाएगी। आवाज जरूर पहुंच जाएगी, इतना जोश आप लोगों का, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हिस्टोरिक प्लेस पे इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का एक मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ अंजना ओम का शब्बल इन आज तक। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, पीएम का यूरोप दौरा। तो वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटे छोटे बच्चे हैं जो तोहफे देते नजर आ रहे हैं, उनके संग सेल्फी लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और जब वो वहां पहुंचे तो भारत माता की जय के नारे वहां गूंजते नजर आ रहे, तो एक खास तरह का उत्साह वहां देखने को मिला। साथ ही साथ जो भारतीय मूल के लोग हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि पहले जो भारत की स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो बहुत बदली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, तो उस पर उन्हें अब और गर्व होता है और आज वो उत्साह दिख भी रहा था। कई लोग 4-4 घंटे की ड्राइव करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने, उनके साथ एक लम्हा जीने के लिए पहुंचे थे। तो बर्लिन गए, ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जबरदस्त जोश में, जब मोदी जी आए सबको मिले, हाय हेलो किया, किसी को पूछा कि कैसे हो आप, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको मराठी में बात की, उन्होंने रिप्लाई भी दिया। क्या बोला आपने मराठी में? मैं बोला कि मोदी जी तुमसे बर्लिन मध्य स्वागत आहे, तर ते म्हणले धन्यवाद मित्रा। अच्छा, थोड़ा लगाइए माइक, लगाइए, धड़कन कुछ सुनाई दे रही है? अभी तक इतनी धड़कन बड़ी हुई है कि कुछ इसका सवाल ही थी है ना, अभी तक धड़कन तेज है। धड़कन तो 20 दिन से ही चल रही है भी। भी, वो भी सही बात है। यस यस, बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम। पहले तो हम लोग 2015 में मिले थे उनसे, बट ये तो बहुत ही स्पेसिफिक रहा, बहुत ही बढ़िया। पहला बैठ गया है तो वो निशानी है सबसे ज्यादा। लेकिन हाँ, आज का एनकाउंटर बहुत ही अच्छा था, बहुत नजदीक से था। और 2015 में भी मिले थे, बट आज वाला बहुत यूनिक था आपके लिए। बहुत ही बढ़िया और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। धड़कन तेज हो गई है, बताइए अब कोई इलाज खोजिए। मस्त हाँ, मैं तो गिर हमने आके उनकी मदद की, क्योंकि हम 3 बजे से तैयार होके निकले हुए थे, 2 घंटे अंदर फोटो के लिए वेट किए और फिर जब वो आए तो लगा हम अभी से इतने तरोताजा हैं कि हम उनका पूरे लाइफ टाइम वेट कर सकते हैं। अभी बताएं आप मिल पाए? हाँ मिल पाए, हम एकदम सामने खड़े थे, आते बराबर मोदी जी ने कहा शुक्रिया आप लोग इतने सुबह से आए हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा वो सुन के कि उन्हें भी पता है कि लोग कितने वेट कर रहे हैं उनका और उत्साहित है उनके लिए। बिल्कुल, जैसे वो हमारे तरफ आए और नमस्ते करके, जो मोमेंट था, मतलब आई कैन नॉट। ढोल, आप ढोल बजाने वाले हैं तो ढोल में इनके अब ज्यादा जोश होगा, पूरा ढोल ताशा है इनटू 200 पावर। हम लोग रात भर सोए नहीं है, ओनली विद द थॉट ऑफ दैट 1 मिनट झलक ऑफ उनकी, और इतना एनर्जी, इतना पॉजिटिव, इतना कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है उनका, वी कैन नॉट गेट ओवर इट। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। सोए नहीं हम तो पूरी रात।
इंतजार कर रहे हैं, चार बजे पहुंच गया था मैं आज शाम को यहाँ। आज अभी जो इवेंट हो रहा है, सबसे बढ़िया जो ओकेजन होगा आपको मिलेगा वो शाम को होगा 6:30 को। मोदी जी जब शाम को जो कम्युनिटी इवेंट है वहाँ पे पूरा ढोल ताशा के साथ उनका स्वागत होगा, और हमने एक स्टेज बना के एक ढोल सजा के रखा हुआ है, एंड वी आर वेरी श्योर ही इज गोइंग टू कम देयर एंड बीट द ड्रम। वाह, देखिए तो ये है तैयारी।